हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करें, नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, पैदा होते हुए बच्चों की देखभाल कैसे करें। तो क्या होता है ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पे एक सफ़ेद परत होती है, तो सफ़ेद परत को हम वार्निक्स कहते हैं, जो बच्चे को प्रोटेक्शन पैदा करता है। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि बच्चे के शरीर पर सफ़ेद परत होती है और वो बच्चे को प्रोटेक्शन पैदा करती है। ये बच्चे को इससे बच्चा सुरक्षित होता है। तो क्या होता है कि इस ये परत को 24 घंटे तक नहीं हटाना चाहिए, जब तक बच्चा सामान्य तापमान में, टेम्परेचर में नहीं आता है। तो हमें 24 घंटे का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद ही जब बच्चा फीडिंग कर लेता है, उसके बाद ही जब फीडिंग करने लगता है उसके बाद ही बच्चा को नहलाना चाहिए या गर्म पानी से पोंछना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो औरतें या दाई होती हैं, जो बच्चे को पहले तो घी या मलाई से मसाज करती हैं और दूध से नहलाती हैं, तो ये घी और जो है घी से मसाज नहीं करना चाहिए बच्चे का स्किन को, और मलाई से भी नहीं करना चाहिए और दूध से भी नहीं लगाना चाहिए, मतलब दूध का कोई आइटम नहीं लगाना चाहिए उसके शरीर पर। इसे दूध में बहुत ज़्यादा, मलाई में, घी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसे बाद में चल के जब बच्चा बड़ा होता है तब उसे गाय के दूध से एलर्जी हो जाती है, इसी वजह से, मतलब स्किन के अंदर उसका बैक्टीरिया चल जाता है तो एलर्जी पैदा करता है, तो वही गाय के दूध से बच्चे को एलर्जी हो जाती है। तो ये सब बातें हैं घी और मलाई से मसाज करने से। इसके जगह पर आप बच्चे को नारियल के तेल से या मिनरल ऑयल से मसाज करना चाहिए। तो आप मसाज करिए, अच्छी बात है, मसाज करते रहना चाहिए, बच्चे का इस टाइट रहेगा बॉडी मसाज करने से। और यही, और देखते हैं कि बच्चे को अक्सर माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए। और जब अक्सर देखते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटी करते हैं, दूध पीते हैं और पोटी करते हैं, दूध पीते हैं और पोटी करते हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। अगर बच्चे माँ का दूध पी रहा है तो इसमें और डरने की बात नहीं है कि बच्चे जब जब दूध पिएगा तब तब पोटी कर सकता है, वो 1 से 25 बार भी पोटी कर सकता है। लेकिन अगर बच्चा बोतल दूध पी रहा है तो अगर वो इतना 1 से 25 बार पोटी करता है तो डरने की बात है, उसे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो और 1 से 6 महीने के बच्चे को तो एक बूंद पानी भी नहीं पिलाना है एक्स्ट्रा में, क्योंकि माँ का ही दूध से उसको पर्याप्त पानी मिल जाता है, इसलिए माँ को 20 से 22 ग्लास पानी पीना चाहिए और एक्स्ट्रा पानी बच्चे को नहीं देना है, वो केमिकल की तरह काम करेगा अगर एक्स्ट्रा पानी देते हैं तो। तो आप कोशिश करें, हर कोई को यही बताएं कि 1 से 6 महीने तक बच्चे को कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को ग्रास वाटर, योग जन्म घुट्टी, ये सब दिया जाता है, ये सब देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बच्चा माँ का दूध पी रहा है उसी से सब, उसको उसी से उसका सारा कुछ है। तो आप माँ का ही दूध पिलाएं बच्चे को, और देखते हैं कि बच्चा 1 महीना का हुआ कि नहीं, उसके आँखों में काजल लगा दिया जाता है, मोटे मोटे से काजल। तो आपसे अनुरोध है कि बच्चे को इस तरह से काजल ना लगाएं, इसी आँख में उसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और सामान्य बच्चों की तुलना में उन्हें ज़्यादा चश्मा लगाने की नौबत आ जाती है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो आप कोशिश करेंगे कि बच्चे को काजल लगाएं, नज़र ना लगाएं उसके लिए काजल, पर आँख में ना लगाएं, फेस में कहीं पे लगाएं, आपको संतुष्टि होगी।
और अगर मेरी ये बातें अच्छी लगे तो मेरे हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।